हाय इफ्तिताह, वालेकुम। ऐसे कैसे हैं वालेकुम हम? अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, इफ्तिताह आपका क्या हाल है और कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ ऑलराइट। और आपसे मेरी मैंने काफ़ी वीडियोस भी आपकी यूट्यूब पे देखी हैं और काफ़ी जो है मोटिवेशन आप लोगों को देते हैं रिगार्डिंग करियर और एजुकेशन के हवाले से। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली सिंपल है कि मैं ऑलरेडी मास्टर्स हूँ और मुझे एक्सपीरियंस हूँ आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली आईटी प्रोफेशनल, और वांट टू कम टू जर्मनी फॉर माय करियर, फ्यूचर करियर के हवाले से। और बेसिकली क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी देखी हैं, उसमें मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स से थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या कि आप स्टूडेंट मतलब मास्टर्स के हवाले से ज़्यादा वो है, आई अप्रिशिएट, बट मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनल्स जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उनके लिए भी एक थोड़ा सा एक वीडियोस थोड़ी बनाए कि अगर वो आना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ठीक है, और किन तरीके, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी आने से पहले वो क्या अपनी प्रिपरेशंस लेके आएँ, और फिर आने के बाद चाहे वो जॉब से कर वीज़ा पे आते हैं या अगर वो क्या किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी इस पे भी ना थोड़ा सा एक आध वीडियो बना दें ताकि जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है। ओके, सो मैं बैक टू बैक आपके आंसर्स करता जाऊँ ताकि फिर वो एक इकट्ठा वो जमा ना हो जाए क्लस्टर। एक तो ये कि आपने सही कहा है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी बहुत सारे, स्पेशली जब से ये जो इसका हुआ है शुरू, क्या नाम है, जॉब सीकर वीज़ा का सीन जब से शुरू हुआ है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो आ ही रहे हैं और सिर्फ जर्मनी पढ़ने के लिए नहीं आ रहे बल्कि काम करने के लिए भी आ रहे हैं। और उसमें ये कि जॉब सीकर के ऊपर 3 से 4 वीडियोज़ बनाई हैं। ये बात सही है आपकी कि ज़्यादा फोकस जो है वो बैचलर के ऊपर या मास्टर्स के ऊपर है क्योंकि उनका चंक जो है वो ज़्यादा है जो जर्मनी आते हैं, मगर मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रोफेशनल्स की बताऊँ क्योंकि मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस गुजरा है यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वो बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में गुजरा है 6 साल का। तो इसलिए मैंने जो अभी रिसेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कर रहा हूँ, आपने आई थिंक लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, जी, तो मैंने देखी। वो उसी एस्पेक्ट की तरफ जा रही है। तो आगे मैं जिन कंपनीज का काम भी किया है उनके अंदर जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो इंटरव्यूज मेरे हुए हैं, जो और भी हेल्पफुल चीज़ें हैं, जो लाइफ लेसन्स मैंने जो लर्न की हैं, वो भी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि शेयर करूं, लेकिन ये आपकी अच्छी एडवाइस है। अच्छा, फर्दर एसन भाई, मैं ये कहूंगा कि अभी राइट नाउ तो बहुत बैड सिचुएशन है, मुझे पता है अभी 2 से 3 महीने लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट होने में, मतलब अभी भी कुछ कह नहीं सकते, मतलब माइट बी पॉसिबल के अक्टूबर सितंबर तक कुछ क्लियर पिक्चर वाजे हो कि जो जॉब सीकर वीज़ा पे आना चाहते हैं जो भी, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो है वो वैकेंसीज भी काफ़ी बंद हो गई हैं लिंक्डइन और जिंग वगैरह पे जो भी है। तो मैं क्योंकि मैं अपनी अपने प्रोफेशन से मैं बात करना चाहूँगा कि मैं आईटी साइड से हूँ, स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी, नॉट सॉफ्टवेयर अच्छा, डेवलपमेंट साइड पर। ओके, तो इसमें थोड़ा सा बताएगा क्योंकि क्या अभी वहाँ पे इस स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड, आई होप आई नो इट्स वेरी बूमिंग एट नाउ, बट क्या फ्यूचर है वहाँ पे जर्मनी में अभी करंटली, और किन किन सिटीज़ में ये हाईली डिमांड है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आना चाहता है तो कौन सी सिटी को टारगेट करे तो वो बेटर रहेगा कि मतलब इजीली अपॉर्चुनिटीज़ को यार साइबर सिक्योरिटी का डेफिनेटली आप सही कह रहे हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है या अभी इस वक्त जो है वो इसका बूम भी है। और एज़ फार एज सिटीज़ जो डिपेंड करता है, मैं यही जो भी आईटी फील्ड से रिलेटेड आ रहे हैं चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, कोडिंग की हो या साइबर सिक्योरिटी की हो, उनको मैं बर्लिन लिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बर्लिन के अंदर एक तो ये कि जितनी भी दूसरी कंपनीज जो दूसरे शहरों में भी हैं उन्होंने भी बर्लिन की स्टार्टअप्स को जो है वो आउटसोर्स किया हुआ अपना काम। तो अगर वो ओके डायरेक्टली कोडेड कोडिंग का ना भी हो तब भी जो है वो आपको काम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का मिल सकता है। और दूसरा ये कि आप ये भी एस्पेक्ट जहन में रखो कि सिर्फ जॉब मिल जाना ही एक एस्पेक्ट नहीं है जर्मनी आ जाने में, क्योंकि आपको रहने के लिए भी जो है वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो एग्जैक्टली बर्लिन जो है वो बहुत मल्टी कल्चरल है, इंटरनेशनल है, यहाँ पे लाइफ रिलेटिवली फॉरेनर्स के लिए ईजी है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप किसी छोटे या स्मॉल मीडियम साइज टाउन में चले जाते हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल होगा जॉब मिलना, लेकिन इन चीज़ों को भी आप फॉरेन जॉब मिलने के बाद नोटिस करना शुरू कर दोगे।
इसलिए टारगेट बर्लिन को रखो, या अगर बर्लिन के बाद ऑप्शंस हैं तो वो हैम्बर्ग और म्यूनिक का रखो, बड़े शहरों को पहले टारगेट रखो, तो इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के जो है वो आपको मिलेगा, काफ़ी होपफुल ही हैं। ओके थैंक यू। ऐसे भाई लास्ट क्वेश्चन बस ये रहूँगा क्योंकि 10 मिनट पूरा होने वाले हैं, मैं बिल्कुल टाइम पे ही रहूँगा। बस ये था कि बेस्ट मतलब क्या सही रहेगा कि अगर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिंग वगैरह के थ्रू या वहाँ आके जो JSV पे आके, ये दो तरीके हैं कि हम प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है exactly. आप क्वालिफाइड बंदा है तो वो अब JSV के थ्रू आता है, अगर तो अगर JSV के थ्रू आता है तो उसको किसी लोकल उसकी कंट्री में कंसल्टेंट के थ्रू आए या वो इंडिपेंडेंटली भी अप्लाई कर सकता है। बस ये दोनों क्लियर करिएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से क्या सही रहेगा, और अगर आए अगर JSV पे आता है तो फिर क्या कंसल्टेंसी के लिए जरूरी है या खुद भी कर सकता है। दैट्स इट, थैंक यू। यार इसका सिंपल ये है कि ये आपके बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि JSV जो है ना वो बजट रिक्वायर करता है, उसके लिए आपको 6,500-7,000 यूरो और अपनी ज़िंदगी के 6 महीने जो है वो उसका एक एक तरह का आप कह लो कि एक रिस्क उठाना होगा, ठीक है okay. और जब आप 6-7 महीने जर्मनी में आके रहोगे, उसके पीछे आप पैसे लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, टाइम लगाओगे अपना, तो वो ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा पहले कि क्या ये सारी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो ये करना, क्योंकि जो 6 महीने आप जर्मनी में होगे वो भी आप प्रॉब्ली काम तो नहीं कर रहे होगे, अगर आप अभी पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे काम कर रहे हो तो आपको एक रेगुलर सैलरी आ रही है, तो इसको इस तरीके से गेज करो। दूसरा ये कि पहली कोशिश ये करो कि आप वहीं पे बैठे बैठे जो जिंग और जो लिंक्डइन है या इनके अलावा भी जो कंपनीज आप खुद से सर्च करके जो टारगेट करना चाहते हो जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो उनके थ्रू नेटवर्किंग बिल्ड करो और उनसे इंटरेक्शन शुरू करो, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जो हाई डिमांडेड प्रोफेशंस हैं जैसे IT के प्रोफेशंस हैं उनको वहीं से उनकी होम कंट्री से बैठे बैठे भी रिक्रूट किया जा सकता है, तो आप JSV से एक तरह से आप उसको बायपास भी कर सकते हो, तो पहली ऑप्शन को मिस मत करो। ओके ओके थैंक यू। ऑलराइट ओके थैंक यू इट्स अ बाय ऑल द बेस्ट थैंक यू।